कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की बाहों में दिखे अक्षय कुमार। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बार फिर अपने नए म्यूजिक वीडियो के साथ दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार अपने हिट म्यूजिक वीडियो एल्बम के दूसरे पार्ट फिलहाल 2 के साथ नजर आएंगे। इस वीडियो में अक्षय कुमार एक बार फिर एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन के साथ नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार और नुपुर सेनन स्टारर इस म्यूजिक वीडियो का धमाकेदार पोस्टर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। कमाल खान पर भड़की राखी सावंत बोली, वो लोखंड वाला से 750 रुपए में पैंट खरीद कर लाता है, वही पहनकर झूठ बोलता है। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा, वो एक नंबर का झूठा है, वो तो खुद ही झूठ बोल रहा था कि मेरी पैंट अमेरिका से आती है, दूध स्विट्जरलैंड से आता है, नीदरलैंड से पता नहीं क्या आता है, झूठ बोलता है वो। लोखंडवाला से 750 रुपए में खरीद के लाता है और वही पैंट पहनता है। सिर्फ लोगों की आलोचना करते हो, मीका ने आपके लिए सही गाना बनाया है, कुत्ता है कुत्ता है, आप वैसे ही काम कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बारे में ऐसा बोलना, लेकिन मजबूर हूँ मैं। आप सलमान जी के खिलाफ, उनकी फिल्मों के खिलाफ और उनके एनजीओ खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि आप एक नंबर के झूठे हो KRK। अजय देवगन ने किया नई फिल्म का ऐलान, साउथ की सुपरहिट फिल्म नंदी का बनेगा रीमेक। अजय देवगन ने 2021 के लिए अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर लिया है। अजय देवगन साउथ की सुपरहिट फिल्म नंदी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। ये फिल्म तेलुगु भाषा में आई थी और इसे वहां के बड़े प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने बनाया था। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जिस पर जेल में काफ़ी अत्याचार होते हैं और फिर वो कैसे अपनी जंग खुद लड़ता है। अजय देवगन को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसके हिंदी रीमेक के राइटर खरीद लिए हैं और वो अब इसे 2021 में रिलीज के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत पर बने फिल्म न्याय द जस्टिस के खिलाफ जारी हुआ नोटिस, पिता ने की थी याचिका। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस रोक लगाने की याचिका एक्टर के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुशांत के पिता ने इस याचिका में प्रोड्यूसर से एक्टर का नाम कैरी कैचर का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। अब इस याचिका पर 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पायल रोहतगी हुई गिरफ्तार, एक्ट्रेस पर अहमदाबाद में सोसाइटी के चेयरमैन को धमकी देने और गाली गलौज करने का लगा आरोप। अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पायल पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से विवाद होने के बाद सोशल मीडिया पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया था। पायल पर सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने और वहां के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के भी आरोप हैं।